हेलो गाइस, माय सेल्फ अमन, और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ MIUI 8 के वर्जन 7.3.16 के बीटाओं के अपडेट के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे MIUI से रिलेटेड हर एक बात बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो साइड में जो बेल का आइकन है आप उसे भी इनेबल कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 7.3.16 में हमें क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा MIUI 8 का वर्जन है वो 7.3.16 हो चुका है। जो अपडेट था वो 54 MB का अपडेट था। तो चलिए अब वर्ड्स न्यू में चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अपडेट आया हुआ वो आपको है फिक्स बग, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिख करके नहीं आया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको MIUI के फोरम ऐप से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 7.3.16 के चेंज लॉग में, तो MIUI का फोरम का जो ऐप होता है उसका अपडेट हमें वीकली अपडेट में ही दे देता है, बट ये अपडेट जो आपको MIUI यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर है, यहाँ पे आपको MIUI फोरम का अपडेटर आना चाहिए, बट ये बार बार MIUI गलती करता है कि अब वीकली अपडेट में ही MIUI फोरम ऐप का अपडेट दे देता है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर के इसका अपडेट आना चाहिए कि, बट बार बार ये गलती करता है MIUI कि आपको सिस्टम अपडेट में ही ये चीज़ दे देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस हुए हैं MIUI के फोरम ऐप में, वो आपको हुआ है ओरिजिनल इमेज आर अपलोडेड बाय डिफ़ॉल्ट। क्या होता था कि ओरिजिनल इमेज में कुछ डिफ़ॉल्ट के कारण जो है कुछ हो जाता था, जिसके कारण उस वहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा फिक्स भी किया गया है। फोरम ऐप में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और एक और जो जो मेन चेंज हुआ वो आपको है ऐप लॉक में, जो आपको न्यू हुआ है ऐप लॉक में, वो आपको है ऑप्शन फॉर हाइडिंग द कंटेंट फॉर नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। तो जैसे कि आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन है मेरा, यहाँ पे आपको क्या होता है कि जैसे कि आपको व्हाट्सएप का जो है कोई भी मैसेज आता है तो वो आपको पूरा नंबर के साथ शो होता है, बट अगर आप अपने लॉक स्क्रीन में जाके हाइड द कंटेंट कर सकते हो, अगर आप हाइड कंटेंट कर दोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आपको व्हाट्सएप में नंबर के साथ शो होता है, अगर आप हाइड कंटेंट इनेबल कर देते हो या फिर ऑन कर देते हो तो वहाँ पे जो व्हाट्सएप कोई भी मैसेज आएगा वहाँ पे आपको कोई भी नंबर शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज शो करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, और इस अपडेट में हमें यही कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है, बट थोड़ा अच्छा आप बोल सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और मैं जितने भी इसके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप भी इस अपडेट का अगर आप में नहीं है तो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कॉमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, MIUI से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं चाहूँगा जहाँ तक आपके हेल्प कर सकता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे MIUI से रिलेटेड हर एक बात बताऊँगा ही, साथ साथ अदर वीडियोज़ आपको इस चैनल पे शेयर करूँगा। तो फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।